उत्तरकाशी जिले में इस बार भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व ब्रह्मकमल देव वृक्ष भोजपत्र और केदारपाती की सुगंध से महक उठेगा। सीमांत गांव धराली के एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस बार ब्रह्मकमल भोजपत्र और केदारपाती से युक्त राखियां तैयार की हैं। वहीं नेताला की महिलाओं ने भी गंगा डॉल राखी बनाई है। इन राखियों के अलावा जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय हिमालयी वनस्पतियों और स्थानीय रेशों से अन्य उत्पाद भी तैयार किए। कलेक्ट्रेट परिसर में इन उत्पादों का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया गया। इसमें जो है हमने चीड़ के पेड़ से जो पिरुल निकलता है वो है, और मार्केट से धागा, मोती और केदारपाती, ब्रह्मकमल, ये सभी चीज़ें इसमें मिश्रण करके जो है ये राखियाँ समूह के माध्यम से तैयार की गई। यहाँ पर हमारी महिलाओं ने राजगढ़ी नौगांव ब्लॉक से धूपबत्ती भी आ रखी है, और उसमें केदार पत्ती है, और उसमें जो मंदिर में चढ़े फूल हैं जिन्हें लोग ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं उनका उन्होंने उपयोग करके सदुपयोग करके धूपबत्ती के उसको मिलाया। बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत सुंदर है, और घर का वातावरण भी इससे अति सुंदर हो जाता है। नेगेटिविटी इससे नहीं होती है और घर का माहौल सुंदर रहता है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप परियोजना की ओर से जिले के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिले में 4000 से अधिक समूहों का गठन किया गया है। इनमें से कुछ समूह अभिनव पहल करने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने भी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को खरीदकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और उनके प्रयासों को सराहा। इन अनूठी राखियों और इको फ्रेंडली उत्पादों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और हमारे रिंगाल के बने हुए आइटम्स हैं, जैसे मोबाइल स्टैंड्स हैं, वो बेच रही हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स भी वो बेच रही हैं, जैसे मड़ुआ या फिर बाजरा, और हमारे जो पहाड़ी फॉक्स मिलेट जो होते हैं उनके आइटम्स को बेच रही हैं, पहाड़ी नमक या अचार, उनके जो फार्म बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं या फिर नॉन फार्म बेस्ड जैसे रिंगाल के वर्क्स हैं उनको बेचा जा रहा है। तो हमने अभी टोटल 23 स्टॉल्स लगाए हैं और कल का उनका टोटल 1.5 लाख के करीब उन्होंने सेल किया है। तो हम आशा करते हैं कि इस जो फेस्टिव सीजन है वो लगभग 15 से 20 लाख और से ज़्यादा वो सेल कर पाएँ और अपना आजीविका में इंडिपेंडेंट हो पाएँ।